बाइक ये चल रही है आगे, यहाँ पे भी पुलिस वाले भैया बैठे हैं, इसके बेचारे की बाइक भी सीज हो गई। तो ये देखो अर्जुन भाई की बाइक भी सीज हो गई। मैं अपनी बाइक भगा सकता था, पर देख लो सल्लू खान की बाइक भी अंदर लगी है, वो हमारी अंदर बाहर लगी है। तो कहीं अभी सल्लू खान ने ना किसी सब इंस्पेक्टर को फोन कराया, अब देखते हैं इनको छोड़ते हैं नहीं। गाइस ये चढ़े हुए हम ऑटो में, पीछे देख लो आप जिप्सी आ रही है भाई, हमारी बाइक हो चुकी है सीज। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो गाइस आज का जो व्लॉग है ना वो भाई क्या बोलूं, आप सबने मीडिया में सुना ही होगा। तो यार कि क्या हो गया, जानू की बाइक सी हुई सी, स्टंट मारते जानू को पकड़ लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो गाइस आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, मेरे पास सारी क्लिप्स हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि हमें चलते हुए पकड़ा है, रोकते हुए पकड़ा है, क्या हुआ हमारे साथ, जो भी एवरीथिंग मेरे पास सारी क्लिप्स हैं। और भाई ये भी बताऊंगा कि मैंने उनको बाइक की अपनी चाबी क्यों नहीं दी, वो मेरी बाइक ऑटो में डाल के क्यों लाए। तो सारी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, और ये भी बता दूंगा एंड में कि भाई बाइक कब रिलीज हो जाएगी। तो करते हैं भाई स्टार्ट, सभी को राम राम। तो गाइस पहले क्लिप चेक करो हमारे साथ हुआ गया है। सो गाइस अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि यार यहाँ पर हम आके रुके थे, तो वहाँ पे ना साइड पे पुलिस की जीप लगी हुई थी, तो वो हमने देखी नहीं, वो हमने ध्यान नहीं किया हुआ। तो मैंने यहाँ पे ना बिल्कुल आके छुपा के अपनी बाइक लगा दी साइड पे। सो इसके बाद गाइज हमने सोचा कि यार यहाँ पे ना कोई मैगी वगैरह या चाय वगैरह खा लेते हैं, यहाँ पे साइड पे है जगह। तो देखो मैंने बाइक बिल्कुल यार एंड में जाकर लगाई कि है ना कोई किसी की नज़र वगैरह ना पड़े, मुझे पता था कि यहाँ पे ना पुलिस वगैरह का सीन चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे गया आगे, तो मैंने कहा चल बाइक साइड पे लगी है तो अब मैगी वगैरह खा लेते हैं। तो गाइज हम जैसे ही मैगी खाने लगे ना, यहाँ पे होती है एंट्री गाइस, पांच जिप्सियों की, पांच जिप्सियां आई भाई हमें पकड़ने, उन्होंने देखा बाइक्स वगैरह लगी हुई हैं तो वो रुक गए सारे। तो गाइस इतनी जिप्सियां भाई कभी किसी टेररिस्ट को ही नहीं पकड़ने आती। दो भाई जीप आई जो थी कि भाई एक बागीबाऊ फोर्ट थाने की और एक थी भाई सिद्रा थाने की, और एक तीन भाई आई गाड़ियां, एक थी सफारी, एक थी भाई स्विफ्ट और एक थी ऑल्टो। तो ये तीन आए और बाकी ये जो गाड़ियों में आए वो तो सिविल में आए थे पुलिस वाले। तो ये सारा सीन हुआ तो हमने वहां पे रोक दिया। मेन मुझे बाद में बात ये पता चली कि गाइस वो हमें पकड़ने नहीं आए थे, वो वहाँ पे पकड़ने आए थे किसी और मसले में आए थे। वो वहाँ पे कुछ चिट्टे वगैरह का सीन चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो रॉबरी मतलब कर लेते हैं लड़के कुछ ऐसे हैं वहाँ पे, वो उनको पकड़ने आए थे। बट उन्होंने देखा फिर बाइक वगैरह लगी है, तो उन्होंने देखा नंबर प्लेट नहीं थी हमारी पिछली, ये मेरी गलती है इसलिए भाई बाइक की बाइक मैंने बोला ले जाओ कोई चक्कर नहीं है, ठीक है नंबर प्लेट नहीं थी। कहते नंबर प्लेट क्या है, मैंने कहा नहीं है सर मेरी बाइक लगी हुई थी बिल्कुल साइड पे, मैं वहाँ पे जाके ना वो थे वो बीच में ग्राउंड में आए थे मेरी, मैं वहाँ पे जाके भगा सकता था बाइक, पर ना अर्जुन भाई को भी पकड़ लिया हुआ था तो बाकियों को भी पकड़ लिया हुआ था, हमारी कम से कम 10 बाइक की पकड़ ली थी। तो फिर मैंने ऐसे मेरे को बोले मारेंगे, मतलब कि क्या कौन था वो, क्या था लड़का, कहाँ भाग गया ये वो, इसको बोलेंगे मारेंगे। तो मैंने कहा चल कोई चक्कर नहीं, तो मैं उधर ही खड़ा रहा। उसके बाद गाइस बाकी सबकी मतलब कि ना वो दो थानों में बाइकें लेके गए, देखो चार बाइकें एक बाउफोर्ट वाले थाने में लेके गए और पांच बाइकें लेके गए वो सिद्रा थाने में। तो गाइस मेरी जो बाइक थी मेरे को था कि भाई कि मैं उनको चाबी दे दूंगा तो बड़ा सीन पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा नाम भी लिखा हुआ था उस पर जानू स्टंट्स व्लॉग। जब तक उन्होंने मेरी बाइक उठाई थी उनको पता नहीं था कि ये मेरी बाइक है या कुछ है, वो बाद में थाने में जाके पता चला जब मीडिया वाले आए हैं। तो गाइस मीडिया वालों ने भी बड़ी गंदी हरकत की है, मैं आपको बताता हूँ सारा सिस्टम, ठीक है पहले तो मैं बताता हूँ। तो गाइस मेरी बाइक उन्होंने, मैं कहते चाबी, मैंने कहा सर चाबी नहीं है तो आप ऐसे ले दो, अगर लेनी है तो कोई चक्कर नहीं है। तो उन्होंने गाइस जिप्सी कोई ऑटो में डाली बाइक, तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं चलो थाने। तो उन्होंने ऑटो में डाली बाइक, ऑटो का किराया भी हमने पे किया, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैंने कहा ऑटो में ले चलो कोई चक्कर नहीं सर चाबी नहीं दूंगा। तो ऑटो में डाली, उसके बाद वो लेके चल गए थाने। अब आगे चेक करो आप, ये चढ़े हुए हम ऑटो में, पीछे देख लो आप जिप्सी आ रही है भाई, हमारी बाइक हो चुकी है सीज, खड़े खड़े उठा के लेके जा रहे हैं। मेरी चाबी मेरे से चाबी मांग रहे थे गाइस, मैंने चाबी नहीं दी, ठीक है कह रहे उठा के ले जाएंगे, मैं उठा लो वो पीछे आ रहे हम टेम्पो में जा रहे हैं। आगे चल रही है आगे, यहाँ पे भी पुलिस वाले भैया बैठे हैं, इसके बेचारे की बाइक भी सीज हो गई। तो ये देखो अर्जुन भाई की बाइक भी सीज हो गई। अर्जुन चेक करें क्या, मैं अपनी बाइक भगा सकता था पर सिस्टम गलत हो गया। सो गाइस इसके बाद पता क्या हुआ, इसके बाद हमारी बाइक लगाई उन्होंने थाने में, हमें सिर्फ एक पर्चा काट के दिया, योर बाइक इज सीज विदाउट HPCL, मतलब की पिछली नंबर प्लेट नहीं है उसकी वजह से आपकी बाइक हो रही है सीज। 390 तो गाइस देख लो सल्लू खान की बाइक भी अंदर लगी है, वो हमारी अंदर बाहर लगी है। तो गाइस अभी सल्लू खान ने ना किसी सब इंस्पेक्टर को फोन कराया, अब देखते हैं उनको छोड़ते ही नहीं। फिर यहाँ तक क्या हुआ गाइस कि यहाँ तक उन्होंने हमें पर्चा काट के दे दिया, मेरे को भी सल्लू को भी और
अर्जुन को भी, सल्लू को परचन नहीं दिया था क्योंकि उसने किसी का फोन वगैरह करा दिया था, तो हमने किसी का फोन नहीं कराया था, मेरे को था कि घर पे मैं बोलूंगा कुछ सही नहीं लगता, आगे मेरे घर वाले थोड़े बोलते हैं कि ऐसे मत किया कर, पुलिस वालों की ऐसे नजरों में मत चढ़ा करिए वो, तो मैंने फोन नहीं कराया। तो क्या हुआ उसके बाद भाई, वहां पे ना कोई मीडिया वाला आया हुआ था, तो उसने भाई देख लिया मेरे को, तो क्या उसने अंदर जाके क्या किया, उसने जो सब इंस्पेक्टर सर थे उनको जाके बोला ये तो टॉप के स्टंटर हैं, इन्होंने तो सब कुछ किया हुआ है, ये है वो है। तो उनने क्या किया, उन्होंने ना मेरे से जो मेरा चलान दिया हुआ था वही वापस छीन लिया। वो कहते कोई बात नहीं, रुक जाओ आप मत जाओ, बाकियों को भेज दो, तो आपसे कोई बात करनी है। सो गए उसके बाद यार, जब उन्होंने बोला ना आपसे कुछ बात करनी है, मुझे समझ आ गई थी कि भाई मीडिया का कोई सीन है यहाँ पे तगड़ा। तो आपको पता है मीडिया छोटी सी बात को भी कितना एलैबोरेट करके बताती है। तो देखो यार गाइज, ऐसे उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में या किसी में कि जैसे गाइज हम पता नहीं क्या होते हैं यार, मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे से जब चलान छीना तो मुझे समझ आ गई थी भाई गेम कुछ और ही होगी, अब चलान चलून से बात नहीं निपटेगी, अब मैं निकल जाता हूँ इधर से। तो गाइज मैं वहाँ से चल गया घर, मैं निकला थाने से। उसके बाद मुझे उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया पीछे से, तो फ़ोन करने लगे बार बार, अर्जुन से भी फ़ोन आया ये वो कि आजा भाई दो मिनट की काम बात है ये वो। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैंने अर्जुन को लेने के लिए भैया को भेज दिया, मैंने कहा भाई अर्जुन को जाकर ले आओ। अर्जुन से उन्होंने मेरा मेन था, उन्होंने मेरा लेना था इंटरव्यू, ठीक है, जो कि भाई मैंने दिया नहीं, मुझे पता था कि ये सीन होगा, मीडिया वाला सीन होगा बहुत ज़्यादा। और अब देखो अब मीडिया वालों ने क्या क्या बोला भाई। जानू स्टंट, आप सभी ने नाम जो है वो ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जानू स्टंट जो है वो आज पुलिस की हिरासत में तो जरूर आया, लेकिन एक बार फिर से चकमा देकर जो है वो निकल गया, नजर आते थे और वो भी सिद्रा रोड पे। वहीं जानू नाम जो है वो सबसे पहले सामने आता था, क्योंकि स्टंटबाजी में जब भी कोई बात की जाए तो जानू जो है वो नजर आता था। उसी बीच आज बागे बहु पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सो गाइज ये वाली न्यूज़ देखकर ना मेरे को इतनी हंसी आई भाई, इतनी हंसी आई। एक टाइम था यार जब मीडिया वाले हमें ऐसी खबरें बताते थे जैसे किसी की आवाज़ दबाई जाती थी, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है वो सामने नहीं लाया जाता, तो वो मीडिया वाले सामने लाते थे यार कि इस बंदे की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये गरीब है ये, और कहीं मिलिटेंट आ जाए, कहीं टेररिस्ट हो, कभी कोई अटैक हो जाए कुछ, मतलब ये सारी चीज़ें बताते थे भाई न्यूज़ वाले। और आजकल भाई TRP के लिए क्या करें भाई, स्टंट राइडर हैं, व्लॉगर हैं भाई हम सिर्फ, और ये ऐसे न्यूज बना के बता रहे हैं। बाइक हुई चीज भाई, बाइक की चीज की है यार, क्या हो गया है, क्या हो गया, बाइक की चीज की है ना खड़े खड़े, क्या हो गया भाई ये न्यूज वाले, देखा क्या, आप खुद बताओ यार गाइस, न्यूज वाले सही कर रहे हैं, खुद बताओ यार कमेंट में, आप न्यूज वाले सही कर रहे हैं यार। बाकी चलो छोड़ो यार गाइस, जो हो गया हो गया, ठीक है कोई चक्कर नहीं, बाइक हमारी कल जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है मेरी सारी बात हो चुकी है। तो उन्होंने एक चलान दिया था वो मैंने पे कर दिया 2000 का, बाइक मेरी कल रिलीज हो जाएगी, तो कोई सीन नहीं। बाकी गाइस नेक्स्ट बाइक आ रही है 25 दिसंबर को ZX10R, तो गाइस मीडिया वाले भी अगर देख रहे हो कोई तो पक्का आना भाई, लाइव कैप्चर करना भाई, थोड़ी और व्यू आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपको 25 को कावासाकी। खबर आती आता है तेरा नाम।